हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑटोकैड पे चैनल मार्क करेंगे। दोस्तों, ऑटोकैड में हम लोग दो तरह से चैनल मार्क कर सकते हैं, एक एलएसपी के साथ, दूसरा विदाउट एलएसपी। दोस्तों, सबसे पहले हमने ऑटोकैड ओपन कर लिया है और एक नए फाइल बना लेते हैं। नया फाइल बनाने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हम लोग विथ एलएसपी चैनल मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक अलाइनमेंट टाइप का नॉर्मल पॉलीलाइन मार लेते हैं, जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों। हमने एक पॉलीलाइन मार लिया। कुछ इस तरह का ये करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हम एक एलएसपी को लोड करेंगे इस पे। इसके लिए हम ऐप लोड कमांड लगाएंगे। दोस्तों, ये एलएसपी हम इसका डाउनलोड लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको लोड करेंगे। ये लोड हमने वंस टाइम किया दोस्तों, आप लोग परमानेंट भी लोड कर सकते हो। ये लोड हो गया सक्सेसफुल। तो सबसे पहले हम सीआर कमांड लगाएंगे। ये हम इंक्रीज मोड है, जितने मीटर पे हमें चाहिए। तो हम 10 मीटर पे हमें चैनल मार्क चाहिए, तो हमने 10 मीटर डाल दिया। ये थिकनेस साइज़ है, तो हमने यहाँ पे 5 डाल दिया। ये टेक्स्ट हाइट है, टेक्स्ट हाइट भी हम 5 ही रखेंगे। और टेक्स्ट ऑफसेट है, टेक्स्ट ऑफसेट हम 10 मीटर डाल देते हैं। और ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा चैनल मार्क हो गया। दोस्तों, इसी चैनल को दूसरे मेथड से बिना एलएसपी लोड किए हुए भी चैनल मार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक नया फाइल बना लेते हैं दोस्तों, दूसरे मेथड के लिए, और इसी अलाइनमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी हो गया और इसको कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। अलाइनमेंट क्रिएट हो गया हमारा। और इसको सबसे पहले हम लोग एक मार्क कर देते हैं। सबसे पहले इसको ऑफसेट दे देते दोनों साइड दोस्तों। दस मीटर का ऑफसेट दे देते हैं। और हमने एक लाइन को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एक टेक्स्ट हमें लेना पड़ेगा चैनल मार्किंग के लिए। 0.00 ले लेते हैं दोस्तों। इसको परपेंडिकुलर कर लेते हैं। दोस्तों, इतना होने के बाद
हम लोग यहाँ पर AR कमांड लगाएंगे। लगाने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन पाथ सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग पाथ सिलेक्ट कर लेंगे सेंटर को, और ये यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले करेंगे आइटम को सिलेक्ट। ये हमारा आइटम है, आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये हमारा दिखा रहा है 14.334, अभी जो इसका डिस्टेंस है दोस्तों तो 14.334 है, तो हमें चाहिए 10 मीटर या 20 मीटर पे, तो हम इसको 10 मीटर पे कर देते हैं। 10 मीटर के करने के बाद ये पूछ रहा है इंटायर्ड पाथ पे, तो हम लोग को फुल इंटायर्ड पाथ पे चाहिए, जैसे इसमें लिख रखा है फुल इंटायर्ड पाथ, तो हमें पूरे 10 मीटर पे चाहिए। और उसके बाद हमें करना है एग्जिट, तो दोस्तों ये हो गया, और इसमें हम देख चेक कर लेते हैं डिस्टेंस को, ये 10-10 मीटर पे हमारा चैलेंज मार्क हो चुका है। दोस्तों इसमें आप बॉथ साइड करना चाहते हैं तो बॉथ साइड भी हो जाएगा, अगर आप यहीं पे बॉथ साइड रखते तो बॉथ साइड भी लेके चलता, हमने एक ही साइड रखा है, और ये अपना कम्प्लीटली यहाँ तक कर दिया है। इसको कर लेंगे एक्सप्लोड, ये एक्स्ट्रा है तो इसको कर देते हैं ट्रिम, इसको भी ट्रिम कर देंगे। अब दोस्तों ये सब 0-0 है, तो इसको सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग शुरू हम यहाँ से करेंगे। अब यहाँ एक्सप्रेस टूल में आके ऑटो नंबरिंग में जाके सेलेक्ट ऑर्डर, जहाँ से भी शुरू कर सकते हैं दोस्तों, तो हम 0 से कर देते हैं, और 10 मीटर के इंटरवल पे ओवरराइड कर देते हैं, और ये हो गया सारे चेंज। ओह, ये उल्टा ले लिया दोस्तों, इसको दोबारा चेंज करेंगे, तो दोस्तों इसको दोबारा से नंबरिंग कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे सबको, ऑटो नंबरिंग पे जाएंगे, जी हाँ 0 से शुरू करके हमें 10 की तरफ जाना है, सबको ओवरराइड कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 10-20, ये सारे चैलेंज हमें मार्क हो गए। इसी में दोस्तों हम अपना लेयर वाइज भी कर सकते हैं, और भी कुछ जो चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।